सभी दर्शकों को नमस्ते। देखिए आज हम युवाओं के रोजगार को लेकर के सेना भर्ती न करवाने की आड़ में हम आंदोलन में आज ज्ञापन दिया है और हम इस मुहिम को बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। सरकार को चेतावनी देते हैं, अगर सरकार ये हमारी सेना भर्ती शुरू नहीं करती है तो हम बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। और मैं तो ये जितना हक हमारे युवा भाइयों का मारा जा रहा है उतना ही महिलाओं का भी, हमारी बहन बेटियों का भी उतना ही रोजगार में हक है। तो आगे जब हमारा बड़ा आंदोलन स्तर पर होगा तो उसमें उतनी संख्या में महिलाएं भी होंगी। किस मांग को लेकर आज सड़कों पर उतरे? देखो जी, कोरोना की आड़ में तीन साल से बच्चों का जो भविष्य सेना भर्तियों को लेकर अंधकार में झोंक रखा था, ठीक है ना। तो एयरफोर्स को जो पेपर ले रखे हैं उनका रिजल्ट आ रहा है, सेना भर्तियों का लिखित जो एग्जाम होना है उसके भी 7 बार एग्जाम डेट दे चुके हैं। इसको लेकर हमने ब्लॉक लेवल पर भी प्रदर्शन कर चुके हैं, बहल में भी, तोसाम में भी, आज ये सिवाणी में हमारा भिवाणी ज्ञापन सौंपना था हमें, ठीक है। अभी अगर सरकार को 10 दिनों का अल्टीमेटम है, अगर 10 दिनों के अंदर हमारी मांग लेती है कि सेना भर्तियों को नया शेड्यूल है वो जारी करे, लिखित परीक्षा उसका जारी करे, कम से कम 2 साल की उम्र में छूटो और एयरफोर्स का रिजल्ट और इनरोलमेंट जारी करे। अगर ये चीज़ें नहीं करती, सेना भर्तियों को सुचारू रूप से शुरू नहीं करती है तो फिर सरकार को चेतावनी देते हैं कि अपने जो युवा है उसकी ताकत है उसको फेस करने के लिए तैयार रहे, क्योंकि इस देश की जो असली ताकत है युवा 70% है हमारे देश के, और उन युवाओं के भविष्य के साथ किस प्रकार से खेला जा रहा है। युवा जाग चुके हैं, उठ चुके हैं, जिस प्रकार से युवाओं ने उकार भर ली, अगर 10 दिनों के अंदर नहीं मानी जाती है तो बात फिर सरकार के आपे से बाहर हो जाएगी ये चीज़ें। तो आंदोलन इतना उग्र हो जाएगा, सड़कों पर आ जाएंगे बच्चे, और सड़कों पर अगर जिस देश के युवा सड़कों पर हों उस देश की सरकार को रातों को नींद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इस हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि इस देश का जो पावर है वो युवा है। जब प्रधानमंत्री बने थे 2014 में तब आपने भी सुना होगा। किस मांग को लेकर आप सड़कों पर उतरे हैं पहले? देखो, नौबत नहीं है, ये हकों की लड़ाई है। वो हकों की लड़ाई हमने पिछले 15 दिन पहले भी भिवाणी में एक प्रदर्शन किया था, जब तालू आसपास धनाने के कई साथी आए थे, यहाँ ज्ञापन दिया था। उसके बाद में हमने और जगह भी प्रदर्शन हुआ और कल तोसाम में बहुत बड़ा प्रदर्शन हम करके आए हैं, आप लोग वहीं थे। आज हमें सांकेतिक तौर पर ये प्रदर्शन था हमारा और ज्ञापन दिया गया है। हमारे बैल के साथी भाई मनबीर वगैरह, कविता है, जितेंद्र पंगाल है जो हिंदू टाइगर के हैं, भाई क्रांति है, तमाम साथियों ने आके प्रदर्शन में भाग लिया है। और हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि हमें हल्के में ना लें, 7-8 दिन के अंदर अंदर ये भर्ती खोल दी जाए। अगर भर्ती नहीं खुलती है तो बहुत बड़ा प्रदर्शन भिवाणी में होगा जिसमें हज़ारों की संख्या में नौजवान भाग लेंगे और सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए सरकार जो कहती है कि 20 करोड़ रोज़गार दिया जाएगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मैं माननीय प्रधानमंत्री पूछना चाहता हूँ कि 20 करोड़ रोज़गार देने की बजाय आपने सेना के एक बहुत एयरफोर्स है, नेवी है और दूसरे जो फोर्सेज हैं उनमें भी भर्ती रोक दी गई है, तो हमें हमारी मांग ये है कि भर्ती तुरंत खोली जाए और कोरोना के अंदर जो हमारे बच्चों की आयु बढ़ गई थी उसमें आयु रिलेक्शन दी जाए, 25 साल उसकी उम्र कर दी जाए, ये हमारी मांग थी। कोरोना की आड़ में भर्तियां तो रोक दी, चाहे वो आर्मी की हो चाहे एसएससी की हो, लेकिन अपनी रैलियां नहीं रोकी। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं, देश का भविष्य जो है युवाओं के बगैर हो सकता है क्या? तो इसलिए हमारा जो सवाल है वो सरकार से सीधा है कि आप भर्तियां चाहे करना चाहो या ना चाहो, अब जो है भर्तियां करनी पड़ेंगी आपको। अब जो मीठी गोलियां जो है नहीं चलेंगी, सरकार के खिलाफ जो है, इन नीतियों के खिलाफ युवा जो है रोड के ऊपर आ चुका है। अब संसद के अंदर जो आप बैठ के जो अमीरों के हक की नीतियां नहीं बनेंगी, अब जो है युवाओं के और किसानों के हक की नीतियां बनानी पड़ेंगी। हम मानते हैं युवाओं की संख्या काफ़ी कम होती है, कि युवाओं की संख्या कम है, आप कल जो है तोसाम के अंदर भी थे, युवाओं की संख्या कहीं कम नहीं है, ना जो है हमारी भारत की संख्या और ना आंदोलन जो अभी युवाओं का आंदोलन है, यहाँ कोई कमी नहीं होती, आंदोलन के अंदर बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं युवा। अंदर धरने और प्रदर्शन और ये विरोध के जो है सबसे बढ़िया जरिया यही होता है, और इसी जरिए छान आंदोलन जीते, इसी जरिए के द्वारा जो हम इसी रास्ते से जो है हम युवाओं का जो है भविष्य बचाने का आंदोलन जीतेंगे।